बातें भाई होती जो सच होती हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम बातें कर रहे हैं क्योंकि टाइम पास करने नहीं आए हैं। थोड़ा आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा आज, उसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि आप लोग काफ़ी वेट करते हैं। मैं जानता हूँ कि आप लोग काफ़ी इंतज़ार करते हैं। आज मैं बता दूँ, कुछ थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ, आई एम सॉरी उसके लिए। लेकिन शुरुआत करेंगे बहुत सारी खबरों से, ऐसी ऐसी खबरें हैं जो आपके लिए काफ़ी जानना ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी का 1 साल पूरा होने पर जो है कुछ बातें कही हैं। इस आपको बता दें, इस ऐलान में उन्होंने क्या क्या कहा है। दरअसल कल संबोधन था, संबोधन की जो खबर थी पूरी खबर मैं आपको दे चुका हूँ, चैनल पर पड़ी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो देख लीजिए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जनता से संबोधन कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के 1 साल होने पर। अब उन्होंने क्या संबोधन किया, आपको हम वीडियो तो यहाँ पर नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन जो बातें हैं निकल कर आई हैं वो हम आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि देखिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ ही प्रशिक्षण को लेकर खबर है और मानदेय वृद्धि को लेकर जो है प्रदर्शन हो रहा है, इसको लेकर भी खबर है। और भी दो तीन खबरें हैं, बस अनुरोध रहेगा आप लोगों से, आप कंटिन्यू वन बाई वन करके सभी लोग जुड़ जाइएगा, लाइक कर दीजिए अभी तक नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक नहीं किया हो, और बेल को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए 1 से 2 मिनट के अंदर सभी लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि 15 से 16 मिनट ही हम लाइव रहने वाले हैं, और इस दौरान आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर देना मेरी प्रायोरिटी है, मैं क्वेश्चन के आंसर देकर जाऊँगा, डोंट वरी। और सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो भाई बहन मानदेय के बारे में पूछना चाहते हैं कि कब तक आएगा, तो मानदेय के बारे में जियो अभी फिलहाल जारी नहीं हुआ है, तो इसलिए आप प्लीज़ मानदेय के बारे में मत पूछना, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया। और वैकेंसी के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो वैकेंसी के बारे में अपडेट बता दूंगा अभी हाल, कि कहाँ कहाँ वैकेंसी चल रही है और कहाँ कहाँ अपडेट हुई है या फिर नहीं। तो मानदेय वैकेंसी के बारे में मत पूछिएगा, बाकी आप किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो कर सकते हैं, क्योंकि पहले मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आप लोगों के मन में जो है डाउट क्लियर हो जाए। चलिए ठीक है, सभी लोग जुड़ जाइए वन बाई वन, और 1 मिनट रुक जाएगा। हाँ जी, और किसी का कोई आंसर क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए देखिए, पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, लगातार सेविकाओं को ट्रेनिंग मिल रही है। ट्रेनिंग किस बात की है, प्री प्राइमरी की ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं आपको बता दूँ, बिहार राज्य में ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है, उत्तर प्रदेश में अभी कोई ट्रेनिंग का ऐसा सिलसिला स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि आपके अंदर कन्फ्यूजन काफ़ी होगी, ऑब्वियसली कन्फ्यूजन होगी, मैं जानता हूँ, तो आपके अंदर जो कन्फ्यूजन उसको दूर करना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश की बहनों भाइयों, मैं आपको बता दूँ कि उत्तर प्रदेश में अभी किसी प्रकार की ट्रेनिंग जो है पोस्टर ट्रैकर ऐप से रिलेटेड नहीं दी जा रही। तो इससे क्या मतलब हुआ, इससे मतलब ये हुआ कि जब मोबाइल दिए जाएंगे, मोबाइल वितरण होने के बाद ही आपको संभवतः ट्रेनिंग दी जाएगी। हाँ, वो प्री प्राइमरी की ट्रेनिंग बहुत पहले दी गई थी, मार्च अप्रैल में, कुछ जगह कुछ आंगनबाड़ी कर्मियों को दी गई, कुछ को नहीं दी गई। तो ऐसे बहनों के अंदर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि उनको नहीं दी गई, क्या उनको टीचर बनाया जाएगा, क्या उनको नहीं बनाया जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रेनिंग से कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई आपको ट्रेनिंग दे दी गई, उनको नहीं दी गई, तो इसका मतलब क्या उनको निकाल दिया जाएगा। तो ये सब संशय की स्थिति मत पालिएगा अपने दिमाग में, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इनफैक्ट जो मैंने आपको बात बताई उस पर अमल करिए, क्योंकि सच्ची सटीक खबरें लगातार हम आपको देते हैं। देखिए, बिहार के अररिया में लगातार ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है। दरअसल आपको बता दें कि बलासी प्रखंड मुख्यालय स्थित CDPO कार्यालय में विभागीय डायरेक्शन के आलोक में 1 दिवसीय, 2-4 दिवसीय नहीं, 1 दिवसीय, सिर्फ 1 दिन का जो है आपको बता दें शिविर आयोजित किया गया। और इस शिविर में बता दें छूटे हुए सेविकाओं ने भाग लिया। अब इसका मतलब क्या हुआ छूटे हुए, देखिए पहले से ही प्रशिक्षण शिविर चल रहा था। अब आपको बता, जो छूटे हुए थे लोग, जैसे कि अभी आप कह रहे हैं कि आपको ट्रेनिंग नहीं दी गई, आपको प्रशिक्षण नहीं दिया गया, तो ऐसे ही जो प्रशिक्षण छूटे हुए थे उनको प्रशिक्षण दिया गया। और ये प्रशिक्षण प्री प्राइमरी वो वाला प्रशिक्षण नहीं, पोस्टर ट्रैकर ऐप वाला प्रशिक्षण, ये भी आप लोगों को समझना चाहिए। और इसमें मोबाइल कैसे चलाना है, कैसे आपको डाटा फिट करना है, ये सब XYZ सब कुछ बताया गया। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा, उत्तर प्रदेश में इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उत्तर प्रदेश मोबाइल ही नहीं मिले। अब मोबाइल ही नहीं मिले तो आपको ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, बड़ा सवाल है ना। जब मोबाइल मिल जाएंगे तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो उत्तर प्रदेश से जो आपका क्वेश्चन घूम रहा होगा ना माइंड में, मुझे मालूम है, तो वो क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया। अब दूसरी बड़ी खबर आपको बता देते हैं, देखिए 1 मिनट रुकिए।